और दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी एक बड़ी खबर। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर स्टे से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है याचिका। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है और जो याचिका दायर की गई थी उस याचिका को भी खारिज कर दिया है। तो हाल ही में दो चुनाव आयुक्त घोषित किए गए थे, जिसके बाद से ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और साथ ही उस नियुक्ति पर रोक लगाने की, स्टे लगाने की मांग की गई थी, लेकिन अब उस याचिका को खारिज कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस स्टेज पर हम नए कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं, हमें सभी तथ्यों पर गौर करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका भी खारिज की और साथ ही कहा है कि इस स्टेज पर हम नए कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं, हमें सभी तथ्यों पर गौर करना होगा। अब इलेक्शन काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं तो ऐसे में दिन काफी ज्यादा कम बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इस स्टेज पर अब स्टे नहीं लगाया जा सकता, हमें सभी पहलुओं को सुनना होगा, उन पर गौर करना होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुशील पांडे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुशील, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अब इस स्टेज पर कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती, और क्या बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई? जी देखिए, आमतौर से एडीआर नाम की एनजीओ ने नियुक्ति को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी किसी भी दलील को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है, ऐसे में उनकी नियुक्ति को लेकर कोई भी आदेश जारी करना देश में अव्यवस्था फैलाने जैसा होगा, लिहाजा इस पूरे मामले में हम कोई भी आदेश जारी करने वाले नहीं है। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है उन पर कोई आरोप नहीं है, लिहाजा इस पूरे मामले में कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन तमाम जो याचिकाकर्ता है जो फिलहाल इस नियुक्ति के खिलाफ आए थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह उनकी नियुक्ति की गई है ये नियमों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल चुनाव आयोग द्वारा जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है उनकी वैधानिकता को लेकर जो मामला है उसको अपने पास पेंडिंग रखा है, जिस पर फिलहाल अगस्त में सुनवाई की जाएगी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोगों की नियुक्ति को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी आदेश जारी करने से मना कर दिया। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुशील आपका।